आ गया लेट हो गया ठीक है थैंक यू। एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। तो नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश और मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की क्लास लेता हूँ, जो कि इनकी सॉफ्टवेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हार्डवेयर इनका कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारी 28 दिसंबर की बैच ये 28 दिसंबर की बैच है और मैं बता दूं कि अभी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केवल सॉफ्टवेयर आधा ही कंप्लीट हुआ है। मतलब लगभग देखा जाए तो सॉफ्टवेयर अभी से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 5 से 6 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो अभी तक कैसा रहा सॉफ्टवेयर? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अरे कुछ समझ में ना आ रहा हो यार? आ रहा है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अभी तक कुछ प्रैक्टिकल तो नहीं दिया है हमने, केवल अभी थ्योरिकल बेसिस से पूरा समझाया है। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी सी बात बताइए, मैंने आपको क्या पूछा कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या आपको इंग्लिश आनी चाहिए? यहाँ आने से पहले मन में तो डाउट रहा होगा ना कि मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती या मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या ये दोनों चीजें जरूरी है? नहीं सर, अभी तक जितना मैंने आपको क्लास लिया है ओवरऑल तो बहुत टफ लग रहा है। नहीं सर, हर एक चीज को क्या मैंने एक ही बार बोला और निकल गया? नहीं सर, हम आपको एक एक चीज लिखवा रहे हैं, नोट डाउन भी करा रहे हैं और स्टिल शॉर्ट भी दिलवा रहे हैं। अगर आप भूल भी जाओ तो एक बार हमारे नोट्स को देखो और एक बार फोटोज को देखो तो आपकी सारी क्लास फाइल डाउनलोड करने से टूल डाउनलोड करने तक कैसे क्या करना है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता। यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, जो मीडिया टेक का ड्राइवर का जो एरर है, सच बताना दिल से, क्या जितना भी आपने देखा है क्या इतना इजी प्रोसेस से किया था? नहीं सर, एक बार में किया था? नहीं सर, पहले से शायद जिन्होंने किया होगा तो इतने इजी तरीके से हो गया था? नहीं सर। सर लोग आज भी MTK के ड्राइवर को लेकर के बहुत कंफ्यूजन में है, जो अभी छोटा सा एक लास्ट में दिखाया था उसके लिए भी लोग छेड़ जाते हैं, उसके लिए भी पता नहीं क्या क्या ड्राइवर को इंस्टॉल कर जाते हैं, बोलते हैं तो हमारा VCOM बन ही नहीं रहा है, अरे प्रियोडा बन ही नहीं रहा है। अरे सब्र करो, सब बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, एक हमारे स्टूडेंट है, अपना नाम कहाँ से है? सर मेरा नाम दीपक है और मैं मुजफ्फरनगर से। दीपक जी क्या करने वाले हो लाइव? सर मैं फोन फ्लैश करने वाला हूँ। MTK CPU को फ्लैश करने वाले? क्या करने वाले? MTK CPU को फ्लैश। चलिए आप पूरा प्रोसीजर बताइए, आप ही हम नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम टूल में जाएंगे। वेरी गुड, कौन सा टूल खोलेंगे? ये ST फ्लैश टूल। वेरी गुड, वो है सबसे टूल। अच्छा सर, हाँ यही है, ये रहा SP। हाँ वेरी गुड, खोलिए। अच्छा एक बात सच बताइए, क्या मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया है क्या? नहीं सर, एक बार फ्लैश करके दिखाया है? हमने इंटरफेस को समझाया जरूर है, पर आपको फ्लैशिंग करके नहीं दिखाया। अब आपके सामने लाइव चलेगा ना? चलो, क्योंकि लाइव में हो सकता है कुछ लोग ऐसे कमेंट करें कि आप पहले से प्री शॉट हो गए हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑनलाइन वाला फोन है, कौन सा वाला फोन है? ऑनलाइन वाला है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऑफलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑफलाइन, एक टूल के माध्यम से। यही पे बैठ जाओ, टूल जाइए। तो कौन सा टूल चला रहा है? MCT बाईपास टूल। कौन सा चला रहा है? इसका भी मैंने आपको एरर बताया, जो यहाँ पे हम MCT बाईपास टूल लोग तो केवल और बाईपास के लिए करते हैं, पर आपको एक चीज और पता है कि और हम किस लिए यूज कर सकते हैं। yes, बाकी ये टूल में अगर और भी एरर बताए कि अगर आपको फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या सलूशन आपको करना है? yes, चलिए ठीक है, कर दीजिए। अब ऑलवेज अगर आपका अगर ये टूल यूज कर रहे हैं तो कैसे कनेक्ट करना है? अप डाउन से, कभी भी ये डायरेक्ट या अप से या डाउन से नहीं होगा, ये अप डाउन या तो टेस्ट पॉइंट या तो क्लॉक। क्लियर है? देख सकते हैं हमें पास आ गया, फिर रख दीजिए। बैटरी लगा क्या दीपक जी, बताइएगा? नहीं सर, ठीक है रख दो आराम से। चलिए अब यहाँ पर हमने कर दिया, अब टूल में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? टूल में। वो हमने एंटीक कर दिया, जो हमने कर रहा था। अब सिंपल सिंपल क्या करते हैं? कर दीजिए, फिर कुछ बातें करेंगे। चलिए, और फ्लैश करने से पहले ये देख सकते हैं, मीडिया टेक की फ्लैशिंग बिना किसी एरर के
वन टाइम में चालू हो गई। हालांकि एरर तो बहुत सारा आया था, पर हमने सारे एरर्स को देखे लाइव, सारे एरर्स को देखेंगे पर यहाँ पे बिना किसी एरर के फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई एनी मीडिया टेक सीपीयू, चाहे वो यूएफएस चीफ हो, चाहे वो विमसी चीफ हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, चाहे वो 2G हो, चाहे वो 3G हो, चाहे वो 5G हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर, बिना किसी एरर के एनी मीडिया टेक की फ्लैशिंग आप भी ऐसा देख करके कर सकते हैं। एरर में फंसेंगे तो जरूर आइए कमेंट में, क्या करना अगर फंसेंगे तो टेलीकॉम आना पड़ेगा। सर अभी तक कैसी रही मीडिया टेक की फ्लैशिंग तक? क्योंकि हमने बहुत सारे कंडीशंस को भी लिखवाया है कि डेड होने का क्या रिस्क है, आईएमआई का क्या रिस्क है, फाइलों की डिटेल भी आपको यहाँ तक लिखवा दी है, प्रीलोडर क्या होता है, डीए क्या होता है, सब कुछ लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? IQ की लाइन सर कोई जानता नहीं है, आप जानते हो? अभी तो नहीं जान रहा था, पर अभी 10 मिनट में बोल देगा सर IQ की लाइन। क्लास था आज, नेटवर्क सेशन था हमारा, तो दोस्तों ने मुझे सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर से IC पेडलाइन CPU पेडलाइन जो भी थी सारे सॉर्ट आउट किए हैं और अभी तक तो सिर्फ WTR जानता है, ज्यादातर मार्केट में एक ही फॉल्ट चलता है, WTR चेंज करो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बस आगे जाने दो उसे। मगर आज 2GPF हो, 4GPF हो, बाकी जितनी नेटवर्क IC थी उनकी पैड लाइन से लेके CPU तक पूरी ट्रेस करके बहुत इतना टफ लगता था नेटवर्क सेक्शन, आज बिल्कुल इजी कर दिया है। अनुज ये काम तुमने किया, हर एक बच्चे ने किया, सबने किया। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया था? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गया। जाता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सर रिबोल करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।